अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। प्रिय दर्शकों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। साथ ही हमें ये भी ज्ञात होगा कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़ पा रहे हैं। आइए बिना समय गंवाए हम लोग फटाफट अपने बिंदु पर चलते हैं। मैं आपके साथ दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, पांच ग्रह, अर्थात कोई भी ग्रह एक साथ एक भाव में बैठकर जब कुंडली में बैठते हैं उसको कहते हैं ग्रहों की युति। मैं संपूर्ण युतियों पर लेकर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। आप प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उसके आधार पर अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि आपके ग्रह आपकी कुंडली में कौन सी युति हो रही है और उसका क्या फल रहेगा। आज भी हम यही चर्चा आगे विस्तार कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम युति का फल देखें इससे पहले हमें एक चीज और भी देख लेना चाहिए जो सामान्य सभी चीजों में देखना होता है, उसको यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। वह ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि पर बैठे हैं, पाप से युत हैं, दृष्ट हैं या मित्र के साथ में हैं, यह देखना परम आवश्यक हो जाता है। तो दर्शकों, हम लोग फटाफट चर्चा शुरू करें। यदि आप चाहते हैं तो अध्यात्म ज्योतिष पर बने रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और समय समय पर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक चर्चा हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अब त्रिग्रही योग के इस युत संगत आधार में हम लोग बुध, शुक्र और शनि को लेकर चर्चा करेंगे। अगर बुध, शुक्र, शनि एक तो लगभग सामान्य इनकी आपस में स्तुति है, अगर यही एक भाव एक स्थान पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से एक चुस्त यहाँ पर है। यही तीनों ग्रह एक वृत्ति एक स्वभाव के साथ जब आगे बढ़ेंगे बड़ी तीव्रता के साथ तो वहीं सभी चीजों में लाभ देंगे। भाव जरूर देख लेना चाहिए कहाँ पर ये बना रहे हैं, युति का आधार उस भाव को विशेषकर ये बल देंगे। और साथ साथ में मंद शुक्र बुध योगे मुखरह पददारिक असंगति कला विज्ञ स्वदेश निरतो भवे। अगर एक साथ ये बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति अत्यधिक मधुर बोलने वाले होते हैं, लेकिन परस्त्रीगामी और अधम जनों का संग भी कभी कभी ऐसे लोगों की कुंडली में देखा जाता है। लेकिन अगर कला की बात करें तो कला विज्ञ होते हैं, कला कुशलता इनके अंदर होती है, कई प्रकार के टैलेंटेड ऐसे लोगों के अंदर मल्टी टैलेंट पाया जाता है और अपने देश अपने राज्य के प्रति इनकी निष्ठा और भक्ति सुदृढ़ होती है। ऐसे लोग हर समय हर संभव सबकी मदद करते हैं और आत्मीयता ऐसे लोगों के अंदर देखी जाती है। तो दर्शकों, ये एक युत संगत आधार को लेकर सामान्य चर्चा थी। आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।